आज टूट गया। मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ पांच। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोमल मेकओवर। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आपको जैसे टाइटल से समझ आ ही गया होगा कि आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अंडर 200 5 बेस्ट हाईलाइट। बैक टू बैक वीडियोज में वही वाले हाईलाइटर यूज करती हूँ और मेरे पास जो भी है, मेरे पास 500, 600, 700 की रेंज तक भी हाईलाइटर्स पड़े हैं, बट इस वीडियो में मैंने अंडर 200 वाले 5 हाईलाइटर्स हैं जो मैंने इंक्लूड करे हैं। तो अगर आप देखने में इंटरेस्टेड है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जैसे मैं हर बार बोलती हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है, मेक श्योर मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में जो बेल बटन है उसे हिट कर दीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन हो जाए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, ये हैं 5 हाईलाइटर जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो सबसे सस्ता है, जो आपको मिल जाएगा 99 रुपीज की रेंज में, इन साइड का हाईलाइटर। दिस इज फॉर 99, आपको अमेजोन से इजीली मिल जाएगा। बाकी सारे के सारे जितने हाईलाइटर्स हैं उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो मेक श्योर डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखना ना भूले, और कोई भी हाईलाइटर अच्छा लगता है तो वहां डायरेक्ट जाके आप लिंक से परचेज कर सकते हैं। तो गाइस, ये हाईलाइटर है, ये क्रीमी हाईलाइटर है। लाइक आप देख सकते हो, ये वाला जो हाईलाइटर है मेरा गो टू हाईलाइटर हो गया। अगर मैं रेगुलर मेकअप नहीं लगाती हूँ, मुझे जस्ट एक बेयर फेस रखना है, मैं क्या करती हूँ, अगर मैंने कहीं जाना है मैं जस्ट अपना मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन लगा के लाइक ये वाला डायरेक्टली अप्लाई कर लेती हूँ। तो एक्चुअली मेरा मेकअप सारा हुआ है तो मैं इसके ऊपर अप्लाई नहीं करूंगी, क्योंकि ये क्रीमी है तो पाउडर के ऊपर क्रीमी वाला हाईलाइटर कभी भी नहीं जाएगा, आपने भी हमेशा याद रखना है। तो मैं आपको इसका टेक्सचर एंड कलर यहाँ पे दिखा देती हूँ। इतना अच्छा एंड ब्यूटीफुल हाईलाइटर है गाइस, ये लगा हुआ इतना नेचुरल लगता है। ये देखो, ये लाइक लगाने के बाद ऐसा लगता है कि विद इन वाला ग्लो आ रहा है आपकी स्किन पे, ये वाला हाईलाइटर लगाने के बाद इतना अच्छा लगता है। और ये इनसाइड कॉस्मेटिक का है, क्रीमी हाईलाइटर है। अगर आप लेना चाहते हो गाइस, गो फॉर इट, इतना अच्छा हाईलाइटर है। अगर आपको है कि मैं डेली मेकअप नहीं लगाती बट आपको चाहिए कि आपकी स्किन पे ग्लो होना चाहिए, जो एक विंटर में होना चाहिए, हैवी मॉइस्चराइजर अप्लाई करते हैं, हमारी स्किन डल हो जाती है विंटर्स में, तो हमें क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा मॉइस्चराइजर अप्लाई करें। तो आप मॉइस्चराइजर के बाद, सनस्क्रीन के बाद ये हाईलाइटर जस्ट अपने चीक्स पे एंड नोज पे अप्लाई कर लो, बहुत ही अच्छा लगता है। नेक्स्ट मैं बात करने जा रही हूं मार्स का शिमर ब्रिक। इसमें 5 शेड्स में आता है, लाइक आपको 5 शेड्स मिल जाएंगे एक में। अभी एक्चुअली जो मेरे फेस पे है यही वाला हाईलाइटर मैंने अप्लाई करा हुआ अपने फेस पे, यही ब्लशर है, यही हाईलाइटर है, सारे इनर कॉर्नर पे, पूरे फेस पे मेरे यही वाला हाईलाइटर है। एंड गाइस, इसका भी पिगमेंटेशन मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये सारे के सारे लाइक ये आपको 150 MRP है बट आपको ऑलमोस्ट डिस्काउंट पे मिल जाएगा। तो ये भी हाईलाइटर बहुत अच्छा है, मैं आपको इसके स्वाचेस भी दिखा देती हूँ। वाओ, लुक एट द स्वाचेस गाइस, ये भी मल्टीपर्पज प्रोडक्ट है, आप इसे ब्लशर, हाईलाइटर एंड आई शेडो, आई मेकअप के लिए भी यूज कर सकते हैं। अगर आप पिंक मेकअप करना चाहते हो नेचुरल सा तो आप ये वाले पैलेट के साथ यूज कर सकते हो, बहुत ही अच्छा है। मेरे रिकमेंडेशन पे अगर आप जाना चाहते हो, ये मेकअप में एक्चुअली मैंने यही वाला वेयर करा हुआ है तो आप देख सकते हो इसकी पिगमेंटेशन भी बहुत अच्छी है। तो गाइज, अगर आप इनकेस जाना चाहते हो मैंने लिपस्टिक कौन सी अप्लाई करी हुई है, तो मैंने ब्लू हेवन की ये वाली लिपस्टिक इन द शेड बेबी पिंक शेड अपने लिप्स के ऊपर अप्लाई करा हुआ है। एंड लुक एट द शेड। नेक्स्ट मैं बात करने जा रही हूं ये वाला हाइलाइटर, दिस इज फ्रॉम मिस रोज गाइस। ये मेरी लाइफ का सबसे पहला हाइलाइटर है, आप देख सकते हो काफी बार यूज किया, आप इसकी हालत से आपको पता चल जाएगा। लाइक मेरे काफी प्रोडक्ट होते हैं कि नए होते हैं बट ये काफी घिस गया है। ये वाला हाइलाइटर मैंने सबसे ज्यादा यूज किया और ये मेरी लाइफ का सबसे पहला हाइलाइटर है, और ये भी आपको अंडर 200 में मिल जाएगा। ये एक्चुअली मुझे लिए हुए भी 4-5 ईयर्स हो चुके हैं। जी हाँ गाइज, अगर आप प्रोडक्ट यूज करते हो, अगर आपको, वैसे तो 3 ईयर्स के बाद आपको प्रोडक्ट डिस्कार्ड कर देना चाहिए बट मैं इसे यूज कर रही हूं, मुझे अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं लगी है। तो अगर आप कहते हो, मैं इसका भी आपको स्वॉच देके दिखा देती हूँ हाईलाइटर। ये भी बहुत अच्छा है, बहुत ही क्रीमी है। एक्चुअली इसे लगाने के बाद बिल्कुल भी चंकीनेस नहीं फील होती है, बिल्कुल भी। ये इतना नेचुरल है, इतना नेचुरल है, अगर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये बहुत ही नेचुरल लगता है, इसमें कोई चंकी पार्टिकल्स नहीं है। मैं आपको अपनी स्किन पे हल्का सा लगा के दिखाती हूँ। वाओ, लुक एट द ग्लो। ये शैम्पेन कलर है
और ये हाइलाइटर टूट गया। पैकेजिंग टूट गई है, जितना पुराना बोल रही थी उसने दिखा दिया कि मुझे पुराना पुराना बोलनी जा रही है, लो टूट जाऊंगा मैं। बट भाई तू मेरा सबसे फेवरेट भी है, इतना पुराना है तो मेरा फेवरेट भी है, तो फर्स्ट टाइम जो होता है ना ओल्ड इज गोल्ड, ये वो वाली चीज है। तो इसे अप्लाई करने में बहुत स्मूद है, चंकी पार्टिकल्स बिल्कुल भी हाईलाइट नहीं होते हैं आपकी स्किन पे, और ये शैम्पेन कलर है तो ये फेयर टू मीडियम स्किन टोन तक बहुत अच्छा लगेगा। और जो मैंने आपको लास्ट मार्च वाला दिखाया है, मार्च वाला भी आपको फेयर टू मीडियम स्किन टोन पे अच्छा लगेगा। डस्की की तरफ जाओगे थोड़ा सा वॉश ऑफ करेगा, और जो आपको इनसाइट वाला दिखाया था ये वाला मैंने, इसमें एक्चुअली आप कलर्स भी चेकआउट कर सकते हो, मार्च वाले में भी कलर्स मिल जाएंगे। मैं आपको जो लिंक दूंगी वहां पे जब आप ओपन करोगे वहां पे आपको डिफरेंट डिफरेंट शेड्स में मिल जाएंगे। इसमें कॉपर ब्राउन लाइक डस्की स्किन के अकॉर्डिंग भी आपको इनमें वेरियंट्स मिल जाएंगे अगर आप इंटरेस्टेड हो। मैंने आपको टेक्स्चर और सारा कुछ इसका दिखा दिया कि ये वर्क कैसे करते हैं गाइस। उसके बाद मेरे पास है इन कलर का बेकिंग हाइलाइटर, ये भी यार एक्चुअली यार सारे हाइलाइटर्स मैं आपको फेयर टू मीडियम वाले ही दिखा रही हूँ, बिकॉज मैं वही हाइलाइटर्स बाय करती हूँ जो मुझे है कि मेरी स्किन पे चल जाए। बट डेफिनेटली आपको ये सारे के सारे हाइलाइटर्स में कलर मिल जाएंगे अगर आप देखने में इंटरेस्टेड हो कि कौन से कलर्स हैं, तो लिंक के थ्रू जाके वहां पे क्लिक कर लेना, आपको वहां पे इनके वेरियंट्स भी मिल जाएंगे इसमें कौन कौन से कलर आते हैं। तो बात करते हैं आप ये वाले हाइलाइटर की, ये एक्चुअली मैंने ज्यादा यूज तो नहीं करा है, बट लुक एट द पिगमेंटेशन, ओ माय गॉड, इतनी अच्छी पिगमेंटेशन है। कहां पे लगाऊं ओके वेट, तो आपको यहां पे लगा के दिखाती हूं। वाओ गाइस ये देखो, ओ माय गॉड, इसकी भी इसमें एक्चुअली हल्के हल्के आप बोल सकते हो, लगा हो तो बिल्कुल नेचुरल लगता है, बट इसमें हल्के हल्के पार्टिकल्स हैं, बट वो आप काम कर सकते हो, आप ब्रश पे लेके अच्छे से इसे ब्लेंड कर दोगे तो उसके पार्टिकल्स इतने हाइलाइटर नहीं होंगे, हाइलाइट नहीं होंगे स्किन पे। जैसे कि यहां पे मैंने मास्क का लगाया था, यहां पे मैं आपको ये वाला अप्लाई, ओ माय गॉड। तो गाइस जब भी आपको अप्लाई करना है इसको ब्लेंड अच्छे से करना है, आप देख सकते हो उसके बाद ये बिल्कुल ही नेचुरल लगेगा, आई जस्ट लव इट। ये भी आपको अंडर 200 मिल जाएगा, अगर आप लेने में इंटरेस्टेड हो तो मेक श्योर आप ये भी ले सकते हो। क्वालिटी इसकी भी बहुत अच्छी है, नेचुरल लगता है, कोई चंकी पार्टिकल्स नहीं है इसमें। लास्ट में मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ ये वाला हाइलाइटर, तो अगर आप टोटल करोगे तो मैंने आपके साथ ऑलमोस्ट 8 शेड्स लाइक शेयर कर दिया, बट मैंने ये काउंट करा है 5 हाइलाइटर्स। ये वाला पैलेट, ये वाला मैट लुक का पैलेट है, ये एक्चुअली मैंने कफ्स एंड लैशेस की वेबसाइट से लिया था, अगर आप लेने में इंटरेस्टेड हो। ये भी आपको 250-200 के नियर अबाउट मिल जाएगा, 250 या 300, मुझे इसका एग्जैक्ट प्राइस नहीं पता है, बट अगर आप लेने में इंटरेस्टेड हो आप ये भी ले सकते हो। अगर हम 300 के नियर अबाउट बात करें, 1, 2, 3, तो एक लाइक आपको 100 रुपीज का भी एक हाइलाइटर नहीं पड़ा, तो मैं आपको चारों के स्वाचेस दिखा देती हूँ। और सबसे बड़ी बात है अगर आपको रीजनेबल में जाना है, आप ये वाले, अगर आप रीजनेबल हाइलाइटर लेना चाहते हो आप ये वाला पैलेट ले सकते हो। इसमें आप फेयर मीडियम डस्की डीपर सारे के सारे स्किन टोन्स पे आपको ये कलर मिल रहे हैं जो सारे के सारे स्किन टोन्स में जाएंगे, और ये काफी पिगमेंटेड आप देख सकते हो। And look at the swatches. एक आपको ये मिल जाएगा गोल्ड जो आप डीपर स्किन पे अप्लाई कर सकते हो, एक आपको ये मिल जाएगा पिंक अंडर टोन वाला, ये भी आप डस्की स्किन टोन पे अप्लाई करते हो, ये वाला भी आपका डस्की के लिए हो जाएगा, और ये वाला अगर आप मिक्स करके अप्लाई करते हो तो आप फेयर पे भी जा सकते हो, ये सिंगल अकेला शेड आप फेयर पे यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आपकी स्किन मेरे जैसी है तो ये अकेला भी आप यूज कर सकते हो। तो अगर आप पिंक वाला और शैम्पेन वाला मिक्स करके यूज करते हो तो अभी बहुत अच्छा ही कलर बन जाएगा, ये देखो। और गाइज इस पैलेट की सबसे अच्छी बात ये है इसमें बिल्कुल भी चंकी पार्टिकल्स नहीं है, और ये बिल्कुल न्यूट्रल लगता है स्किन पे, ऐसा लगता है कि विद इन काइंड ऑफ ग्लो आ गया। मैं जस्ट इतनी बड़ी फैन हूं हाइलाइटर्स की, मेरे पास जितने हाइलाइटर्स हो कम है, हाँ मैं है मेरे पास हाइलाइटर नॉर्मल, एक पर्सन के पास जितना हाइलाइटर होना चाहिए उनसे ज्यादा मेरे पास कलेक्शन है, क्योंकि गाइज आपको पता है मैंने अभी जस्ट रिसेंटली अपना यूज करा है, तो उसके लिए मुझे मेकअप प्रोडक्ट्स चाहिए भी होते हैं, मैं इनका रिव्यू भी आप लोगों के साथ
मुझे आपको दिखाना भी होता है, रिव्यू भी आप लोगों के साथ शेयर करना होता है कि जैसे कि अब मैं आपके लिए लेके आई हूँ 5 हाइलाइटर अंडर 200। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो ये वाला हाइलाइटर लेने के लिए भी, इसका भी लिंक अगर मुझे मिल गया आई डेफिनेटली शेयर विद यू इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो मेक श्योर आप वहां से जाके डेफिनेटली आप वहां जाके लिंक के थ्रू आप ले सकते हो। तो बस यही था आज का वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो मेक श्योर मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन भी हिट कर दीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, बाय, लव यू।